आप सब बहुत दिनों बाद आया हूँ आपके लिए। तो जैसे कि मतलब कैसे एक्सप्लेन करूँ, मतलब कितना दिन बाद आया हूँ। आप लोग बोल रहे थे कि मनोजी क्या हो गया, वीडियो नहीं डाल रहे, क्या बात हो गई है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं यहीं वर्किंग हूँ और बिल्कुल आपके लिए एक नई अपडेशन के साथ आया हूँ। तो जैसा कि हमेशा आता ही हूँ, और आप प्लीज़ सजेस्ट करना, आपने सब्सक्राइब करना बंद कर दिया है। पहले तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जो कि आपने बंद कर दिया करना, और जो भी वीडियो में सजेशन मिल रहे हैं प्लीज़ उनका भी जो भी रिजॉल्व हो रहा है तो डेली बेसिस पे उसको सब्सक्राइब जरूर करें। तो क्या एक नई अपडेशन आई है मैं आपको बता देता हूँ। तो ये आपका JBL की स्पीकर है जो नए हमारे लॉन्च हो गए हैं, जो 400 वाट के आपके, ठीक है। इसका प्राइस क्या होगा, प्राइस आई थिंक ये आपका प्राइस होगा 4243। वन पेयर है, विद ट्विटर है ये, जो मैं आपको खोल के भी दिखा देता हूँ एक बार, कि आपको ये ना रहे कि खोल के नहीं दिखाएगा। तो आप देख सकते हैं स्पीकर की क्वालिटी, ये भी ट्विटर है आपके JBL के, जो कि आपके टाटा अप्रूव्ड है, ठीक है। तो वारंटी के साथ है, अच्छी सर्विस आपको टाटा से ही मिलेगी, कहीं भी आपको जाने की जरूरत नहीं है। सेकेंडली हम न्यू अपडेशन एक और चीज क्या आई है, क्रॉसलिंक का म्यूजिक सिस्टम जो मैंने आपको दिखाया था पहले, तो अब उसमें क्या नया आया है, तो आप देखोगे इसके फीचर्स में। सबसे पहला तो ये आपका 32 GB है, 2 GB रैम है, 32 GB इंटरनल है, जो कि पहले जो हमारा लॉन्च हुआ था वो 2/16 था। तो इसमें आपके एक तो न्यू फीचर्स अपग्रेड हो जाता है, GB बढ़ जाती है, जिससे कि आप एडिशनल पिक्स वगैरह वीडियोस वगैरह अच्छी क्वालिटी में देख पाओगे। सेकेंडरी क्या, एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले, ये एक नया एड ऑन फीचर आया है जिसका कि सब वेट कर रहे थे, कि पहले वाले में गैप था कि उसमें एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले नहीं था। तो अब जो रिसेंटली लॉन्च हुआ है उसके अंदर आपको एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले मिल जाएगा, और आप इसको कैसे यूज करोगे, कैसे यूज कर पाओगे, आपको कैसे यूज करना है, तो उसकी मेरी नेक्स्ट वीडियो एंड तक जब आप देखोगे आपको दिख जाएगा पूरा। मैंने एक पंच प्योर में सिस्टम लगाया है JBL स्पीकर के साथ, साउंड मैंने इसलिए नहीं सुनाया क्योंकि वो आपको ज्यादा क्लियर नहीं हो पाता, बट मैंने हाँ उसके सारे फीचर्स आपको बताए हैं, सारे फीचर्स एक्सप्लेन करे हैं। तो अगर ये वीडियो आप एंड तक जब जाओगे आपको एंड में सारी चीजें दिख जाएगी, क्या प्रकार से कनेक्ट कैसे होता है, एंड्रॉइड ऑटो कैसे कनेक्ट होगा, और कैसे कैसे आपको यूज करना है। तो आपके लिए और आप न्यू अपडेशन के साथ हमेशा की तरह, जैसे कि मैं हमेशा आता हूँ और आगे भी आता रहूँगा, बीच बीच में थोड़ा गैप जरूर आएगा क्योंकि आप देख सकते हो हमेशा की तरह नाइट में ये बना रहा हूँ वीडियो आपके लिए टाइम निकाल के, तो लेकिन आपके सपोर्ट से ही बना रहा हूँ। तो प्लीज़ जैसे आप सपोर्ट कर रहे थे वैसे ही करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, जो कि अब करना बंद कर दिया आपने, ठीक है। और मेरे को सजेस्ट भी करिए, कमेंट भी करिएगा, आप थोड़ा टाइम मिल गया है तो जिनके कमेंट के रिप्लाई नहीं आएंगे उसके लिए सॉरी, अब वो एक बार मैं चेक करके सबको रिप्लाई कर दूंगा, प्राइस को लेकर जो भी था सारी चीज़ें मैं क्लियर कर दूंगा। और जिनको क्लियर हो गए हैं थैंक यू सो मच, आप सबके सपोर्ट से एक नई वीडियो आपके लिए, और अभी मैं आप सारे फीचर्स सारे मैंने जो सिस्टम लगाया है वो आपको मैं क्लियर कर दूंगा। आप एंड तक जाएंगे आपको एंड्रॉइड ऑटो कैसे यूज करना है, एप्पल कारप्ले कैसे यूज हो रहा है, तो आपको दिख जाएगा सारा। ओके थैंक यू सो मच। दिस साइड बहुत टाइम बाद आपके पास आया हूँ लेके एक बहुत ही जरूरी मतलब इम्पोर्टेंट खबर, जो कि आप देख रहे हैं ये 9 इंच स्क्रीन जो कि अपग्रेड हो गई है, पहले 2/16 आ रही थी, अब आप देख सकते हो यहाँ पे आपका 2/32 मतलब 2 GB रैम है और 32 GB इंटरनल है। और सबसे अच्छी चीज़ क्या आ रही है इसमें, आप देख सकते हो एंड्रॉयड ऑटो एंड एप्पल कार प्ले। तो आपको अब एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कार प्ले के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपको सिस्टम में मिल जाएगा। जैसे कि अब मैं पंच प्योर में भी पूरा इंस्टॉल करने वाला हूँ, तो आज थोड़ी वीडियो लंबी होएगी, लेकिन आपको ये होगा कि पूरी इंस्टॉलेशन के साथ विद JBL स्पीकर, एक 300 वाट एंड एक 400 वाट, ठीक है। तो ये हम फ्रंट में लगाएंगे 400 वाट वाले, जैसे कि आप ये वाले देख रहे हो, ये हम फ्रंट में इंस्टॉल करेंगे जो कि आपके भी ट्विटर है, और ये वाला हम रियर में लगाएंगे जो 300 वाट के है, ठीक है। तो आज स्टार्ट करते हैं हम, तो पूरी वायरिंग के साथ आपको पूरा स्टीरियो दिखाएंगे एक बार कि आप और यूज कैसे होगा एंड्रॉयड ऑटो एप्पल कार प्ले। तो उसके लिए बने रहिएगा एंड तक, आपको एंड में सारी चीज़ें इसका डेमो पूरा प्रॉपर सारी ब्रीफिकेशन के साथ आपको मैं दिखा दूंगा। ओके थैंक यू।
जैसा कि मैंने आपको बताया था, जो मैंने इंस्टॉल कर रहा था सिस्टम, जो मैंने आपको फ़ोटो दिखाई थी एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कार प्ले, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये हमने वायर कनेक्ट करी है और ये आपका एंड्रॉयड ऑटो चालू हो गया है, इसमें नेविगेशन आ गया आपका। एक मिनट, आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा, एक मिनट। थोड़ा आपको नाइट का है ना, तो इसमें व्यू नज़र नहीं आ रहा। एक मिनट रुकिए, मैं आपको साइड से दिखा देता हूँ। ये देखिए, ठीक है। तो ऐसी एप्पल कार प्ले भी इसमें आपका है और एंड्रॉयड ऑटो दोनों चालू हो गए सिस्टम में। तो कैसे कनेक्ट होता है मैं आपको बताया, तो इसमें आपको जेड लिंक दे रखा है, ये रहा। आपको जेड लिंक पे जाना है, यहाँ पे, यहाँ पे आप जाएंगे और अपनी वायर क्लिक करेंगे, आप ऑटोमेटिक ऑटो एंड्रॉयड ऑटो पे चले जाएंगे, ठीक है। तो आपके ये सारे फीचर्स आपको मिल जाते हैं। ये आपके देख रहे हो आप सारे, आपका मैप नेविगेशन हो गया, आपका मैसेंजर हो गया, मैसेज हो गया, तो आप ये यहाँ से सारे ऑपरेट आप कर पाओगे, है ना। तो ये देखिए, तो ये आपका हो गया एंड्रॉयड ऑटो। अब मैं आपको एप्पल कार प्ले भी बताया, तो आप कैसे कनेक्ट करेंगे। तो आप एप्पल कार प्ले में आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ आपको अपने बीटीएस से कनेक्टिविटी करनी है। एक मिनट, मैं आपको पहले एंड्रॉयड का जो मैंने दिखाया था, मैं आपको एक बार आईफोन का दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये एप्पल कार प्ले आपका कनेक्ट हो गया, डिस्प्ले नहीं। तो ये आपका एप्पल कार प्ले कनेक्ट हो गया, आप देख सकते हो स्क्रीन में, विदाउट वायर है। ये देखिए, सिर्फ हमने बीटी कनेक्ट करा है और बीटी से आपका कनेक्ट हो गया ये, ठीक है। ये देखिए, अब आप यहीं से अपनी कॉलिंग भी कर सकते हैं। तो जैसा कि मैं आपको करके दिखा देता हूँ एक बार, जैसे मेरा नंबर दूसरा है 7678663635। तो ये देखिए, ये आपकी कॉलिंग हो गई है, मैंने फोन काट दिया। तो इसमें एक फीचर्स, आपको सारे कॉन्टैक्ट्स आपको मिल जाएंगे, जो भी आपके कॉन्टैक्ट्स हैं, जैसे कि आप ये देख रहे हैं सारे, ठीक है। एंड आपके रीसेंट जो आपने कॉले करी होगी उस पर आप कॉल कर सकते हैं। आपको इसमें एक फीचर बहुत ही अच्छा मिलता है, जो कि आपकी वॉइस कमांड है, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ। तो आपको अपने फ़ोन का नेट ऑन कर देना है, तो आप यहाँ पे जाएंगे, तो जैसे आप यहाँ पे वॉइस करेंगे, तो मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि कॉल माई जियो, कॉलिंग माई जियो, तो ये देखिए आप देख सकते हो कॉल लग गया, ठीक है। तो ये आपको कोई भी नहीं बताएगा इतना डीपली, ये सिर्फ आपको पता चल रहा है, ठीक है। आप सबके सपोर्ट से एक वीडियो और नहीं ला रहा हूँ, जिसमें आपको एप्पल कार प्ले के फुल फीचर्स के साथ एंड एंड्रॉयड ऑटो के साथ, एंड थैंक यू सो मच। तो ये आपका पंच प्योर मॉडल है, जो आपको मैंने सुबह दिखाया था, JBL स्पीकर के साथ, स्टॉल के साथ। अभी आपका नेविगेशन भी आप यहाँ से चालू कर सकते हो, जैसे कि आपका नेविगेशन हो गया, ठीक है, ये देखिए आप, ठीक है। तो आपका ये जो प्रॉब्लम थी, जैसे कि पहले वाले सिस्टमों में क्या था, आपका नेविगेशन और वो नहीं, आपका फ़ोन से कनेक्ट करना पड़ता था, आप डायरेक्ट एप्पल कार प्ले चला सकते हो। तो ये आपका व्हाट्सएप भी पढ़ सकते हो। तो सबसे एक अच्छा फीचर्स है कि आप यहाँ पे अपना सर्च कर सकते हो, जैसे कि ये देखिए माई जियो, मैंने वॉइस कमांड दिया और वो कॉलिंग पे लग जाएगा। मैं भी आपको दिखा देता हूँ, कॉल माई जियो, कॉलिंग माई जियो, ये देखिए, आपको यहाँ पे सिर्फ अपना नाम जो भी सर्च करना और वो कॉलिंग लग जाएगी। तो आपको ये सारे फीचर्स आपको इसमें मिल जाएंगे, वॉइस कमांड भी मिल जाएगा। तो आप अच्छे से इसको यूज करिए, ओके, मिलते हैं फिर एंड तक, जैसा कि आप बने रहे हो, आपके साथ। थैंक यू सो मच आप सबके सपोर्ट से, ये वीडियो आपके लिए, थैंक यू।